चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, बेवजह ही कमज़ोरी लगती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं है। आज आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसका यदि आप सेवन करना स्टार्ट करेंगे ना, आपको कुछ ही दिनों में राहत मिलने लगेगी, शरीर में शक्ति का संचार होगा, शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। इसके अलावा आपकी मेमोरी को शार्प करेगा एक ऐसा रेमेडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इस आसान सी रेमेडी को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। दूध में इन चीज़ों को उबालना है आपको और फिर आपको लेना है। उन्हीं में से सबसे पहली चीज़ जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो है नारियल। नारियल की एक गिरी का इस्तेमाल करना है। सूखा नारियल लें, गीला नारियल लें, जैसा आप चाहें लें। सूखा नारियल जो होता है ना दोस्तों, ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। रोज़ एक छोटा सा टुकड़ा नारियल का आपको लेना है। किस किस तरीके से आप कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। वैसे नारियल कई होते हैं, गीला नारियल होता है, परंतु हम पानी वाला नारियल लाते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लंबे समय तक हम रख नहीं पाते। और इस सूखे नारियल को आप महीना दो महीना रखिए, फ्रीज में रखिए, ख़राब नहीं होगा। एक छोटा सा टुकड़ा रोज़ लीजिए। इसके अलावा आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। खून की कमी को दूर करता है नारियल का सेवन। आजकल तो बाज़ार में नारियल का ये पाउडर भी मिलने लगा है। आप चाहें तो कोकोनट को इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए और फिर आप इसे एक चम्मच गर्म दूध में डालकर ले सकते हैं। आयरन से भरपूर होता है, खून की कमी को दूर करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, यानी कि जिन्हें अल्जाइमर की समस्या है, भूलने की बीमारी है, उसे भी दूर करता है ये। तो ये सूखे नारियल का पाउडर मैं मार्केट से लेकर आई हूँ दोस्तों, बाज़ार का है ये। आप चाहें तो घर पर ही कोकोनट को ग्रेट करके इसका पाउडर बनाकर स्टोर करके रखें। फ्रीज में रखेंगे ना तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। कई बार बहुत पुराना नारियल होता है तो उसका तेल उतर सा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बनाकर ना रखें। जब ज़रूरत है उतने नारियल को कद्दूकस करें। बाज़ार के जैसा ऐसा ही सफ़ेद कोकोनट पाउडर चाहते हैं तो इसके ऊपर का जो छिलका होता है नारियल का, उसे निकाल लें। एक छोटा टुकड़ा नारियल का ज़रूर खाएं। दिल के रोग को टालता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है नारियल का सेवन। वज़न को घटाना चाहते हैं, बढ़ते हुए वज़न से परेशान हो चुके हैं, तो भी एक टुकड़ा खाएं। भरपूर मात्रा में इसमें फाइबर होता है, फाइबर होने के कारण इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और हमें वज़न को घटाने में आसानी होती है। नारियल को खाने से हमारी त्वचा पर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती, यानी कि बुढ़ापा नहीं आने पाता है, लंबे समय तक हम जवां बने रहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल इसे आता है दोस्तों, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हमें बचाता है नारियल का सेवन। आप चाहें तो दो छोटे टुकड़े नारियल की स्लाइस के ले लें, ऊपर से मिश्री ले लीजिए। आपको यहाँ पर धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है। मिश्री और नारियल का सेवन भी हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, मेमोरी को शार्प करता है। जिन्हें भूलने की बीमारी है ना दोस्तों, उन्हें तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए। दो तीन टुकड़े नारियल के, दो टुकड़े मिश्री के ले लीजिए। कभी कभी चाहें तो दूध में इन सारी चीज़ों को मिलाकर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सौंफ लेना है। दो चम्मच सौंफ ले लीजिए, नारियल ले लीजिए। नारियल, दूध, सौंफ का सेवन जो होता है दोस्तों, ये हमें जोड़ों के दर्द, हड्डियों की तकलीफ से भी राहत दिलाता है। तो सेहत और सौंदर्य से जुड़ा हुआ है नारियल, सौंफ और दूध का सेवन। दूध को मीठा करने के लिए आप यहाँ पर मिश्री डालिए। अगर ठंड का मौसम है तो दूध को मीठा करने के लिए गुड़ डालिए। शक्कर का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सौंफ भी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगली चीज जो कि इस दूध में डालने इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, वो है हरी इलायची। हरी इलायची हमारे पाचन को दुरुस्त करती है, वज़न को कम करने में हमें हमारी सहायता करती है और साथ ही साथ इसकी खुशबू हमें अच्छा फील कराती है दोस्तों। और बाकी इलायची खाने के बहुत सारे फायदे हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है इलायची का सेवन। एक इलायची को लेकर कूट लीजिए। एक बड़ा ग्लास भरकर मैंने यहाँ पर दूध लिया है। दूध को गर्म करने रखेंगे, फिर सारी चीज़ों को इसमें ऐड करना है।
ठंडे दूध में आप कुछ भी ना डालें। क्या होता है दोस्तों, ठंडे दूध में हम सौंफ, इलायची, नारियल डालेंगे ना, तो कई बार दूध फट सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें दूध जब हल्का गर्म हो जाए उसके बाद इसमें सारी चीज़ों को ऐड करें। मैंने यहाँ दो इलायची को तोड़कर डाल दिया है ताकि इलायची का सारा अर्क इस दूध में आ जाए। अब एक एक करके सारी चीज़ डालिए, आप इसमें सौंफ डालिए, इसमें किसा हुआ नारियल डालिए, मिश्री डालिए, ठंड के मौसम में आप यहाँ पर गुड़ डालेंगे। सौंफ वाला दूध भी हमारे आँखों की रोशनी को तेज करता है, चश्मा लगा है तो चश्मा उतर जाएगा दोस्तों, इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है, कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है सौंफ वाला दूध। सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या किसी भी तरह का कैंसर हो, उसकी कोशिकाएं बढ़ने नहीं पाती हैं यदि हम इस तरह से नारियल और इन चीज़ों का सेवन करते हैं। जो नारियल होता है दोस्तों वो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, बस उन्हें दूध में मिश्री का प्रयोग नहीं करना है जो मधुमेह के रोगी हैं, बाकी सभी लोग दूध को मीठा करने मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। नारियल का सेवन, एक छोटा सा टुकड़ा नारियल का सेवन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा तो उन्हें भी जरूर खाना चाहिए जिन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उन्हें भी सूखे नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए। कब्ज की समस्या को दूर करता है, अगर कब्ज की समस्या लंबे समय तक रहती है तो कब वह बवासीर में तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता है, इसलिए हमारे पेट का रोज़ साफ होना ज़रूरी है। ये नारियल वाला दूध जिसमें एक चम्मच किसा हुआ नारियल मैंने डाला है, इस दूध में सूखा नारियल डालकर पका लें। आप गीले नारियल का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु गीला नारियल 2-3 दिन में ख़राब हो जाता है, ड्राई नारियल को आप लाकर फ्रीज में रख सकते हैं, रोज़ एक छोटा टुकड़ा डालें, आप देखें बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा, बच्चों की मेमोरी शार्प होगी, आपके ब्रेन के लिए, ब्रेन की अच्छी हेल्थ के लिए सूखे नारियल वाला, सौंफ वाला ये दूध बहुत फ़ायदेमंद है। खून की कमी को दूर करता है, हमें एनेमिक होने से बचाता है, आयरन से भरपूर है, एक ऐसा ये दूध बनकर तैयार है। इसे छान लीजिए, छन्नी के ऊपर बचे हुए सौंफ को, इलायची के जो टुकड़े होंगे इन्हें आप चाहे तो चबा चबा कर खा सकते हैं। इस दूध को परिवार के सभी सदस्यों को दें, आप भी लें, बच्चों को दें और घर के बुजुर्ग व्यक्ति को भी दें। हड्डियों के दर्द, गठिया अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी, शारीरिक कमजोरी आपकी दूर होगी, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपके सेहत और सौंदर्य से जुड़ा हुआ है नारियल, सूखा नारियल। तो सूखा नारियल के फायदे की जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही एक कमेंट जरूर करें मेरे इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से बैठकर देख रहे हैं, ताकि कमेंट में मैं आपको थैंक्स बोल सकूं, आपका नाम अनाउंस कर सकूं। हरी चटनी बनाते हैं उसमें भी नारियल जरूर डालें, रोज के खाने में छोटे से नारियल के टुकड़े का इस्तेमाल जरूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।